हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कन्वर्ट आई इनटू पोलर फॉर्म। आज हम क्या करेंगे, आई को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हियर रियल पार्ट जीरो, ये रियल पार्ट जीरो है, आई मीन प्योरली क्या इमेजिनरी है। अब इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रियल पार्ट जीरो होने की वजह से हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, जीरो प्लस आई, जीरो प्लस वन आई। हियर लेट करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू आई, आई मीन जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस वन आई। हियर व्हाट्स वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, यस का वैल्यू जीरो है। व्हाट्स वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू क्या है, वन है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आर का वैल्यू निकालेंगे। आर का वैल्यू क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स, इसे सॉल्व कर देंगे, वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर रूट क्या आएगा, वन आएगा। ठीक, तो ये आर का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू निकालने से पहले टैन अल्फा निकालना है, और टैन अल्फा क्या होता है, टैन अल्फा होता है वाई बाई एक्स। अब इसे निकालेंगे, ठीक, तो टैन अल्फा निकालते हैं। टैन अल्फा इज इक्वल टू, टैन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। व्हाट्स वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज वन। व्हाट्स वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज जीरो। जीरो को अगर हम टेबल पढ़ेंगे, वन आएगा, नहीं आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। जब नॉट डिफाइंड हो गया, तो नॉट डिफाइंड किसका वैल्यू है, आई मीन टेन, टेन पाई बाई टू का वैल्यू क्या है, आई मीन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। अब हम इसे क्या राइट करते हैं, टेन पाई बाई टू, दिस इंप्लाई अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। जब दोनों पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर के लिए थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो अब थीटा इक्वल टू अल्फा पे वर्क करते हैं, तो देयरफोर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, आई मीन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, आई मीन अल्फा इज पाई बाई टू, देयरफोर थीटा इज आल्सो पाई बाई टू। थीटा का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दैट्स फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट इट इन पोलर फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इंप्लाई जेड इज इक्वल टू आर, व्हाट्स वैल्यू ऑफ आर, आर इज वन, कॉस थीटा, आई मीन थीटा इज पाई बाई टू, प्लस आई साइन पाई बाई टू। अब हम इसे ऑपरेट करते हैं, वन बाहर है तो वन को अगर ऑपरेट कर देंगे तो सिंपली यही आ जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, थैंक यू।